तो हम जा रहे हैं आज भाई सुबह सुबह दिल्ली देखना कितना नाव में दिखा रहे हैं 100 रुपए इतने जोर से मार दिया वो टूट थोड़ी नहीं है। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं अभी हाफ हुए और हाँ आप चाहिए थी कड़क वाली चाय तो हम पहुंच गए हैं मुरथल तो बना हुआ है और हे ऑल गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो होप आप लोग सब ठीक हो अच्छे हो सब अच्छा है सब स्वस्थ हो मस्त हो। तो आज है एक नई दिन की शुरुआत और आज का दिन का प्लान ऐसा है कि अब बज गए हैं सुबह के 7 और हम निकल पड़े हैं घर से। तो हम जा रहे हैं आज ऑफिस नहीं स्कूल नहीं और हम पहुंच गए हैं दिल्ली। भाई सुबह सुबह दिल्ली देखना कितना अच्छा लगता है। तो अब यहाँ से 5 मिनट में हम पहुंच जाएंगे दादी पार। तो ये देखो ये रेड लाइट में ये अपने कारनामे दिखा रहे हैं 100 रुपए एक बताओ इसको पैसे नहीं दिए हमने तो हमारे गाड़ी में मार के चली गई तो इसने हमारे ग्लास में इतने जोर से मार दिया वो टूट थोड़ी नहीं रहा है इसको तोड़ते कि घर टूटेगा तो उसको गुस्सा आ गया कि वैसे वो देखो वो छोटा बच्चा भी अपने कारनामे दिखा रहा है रास्ते में। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं अभी हाफ हुए और हाँ अब हमें लगी है बहुत भूख। मैंने आप लोगों को बोला था मुझे चाय चाहिए थी कड़क वाली चाय तो मिली नहीं मुझे दिल्ली में मतलब रुके नहीं हम। तो अब हम पहुंच गए हैं मुरथल मतलब मुरथल से थोड़ा सा आगे आ गए हैं हम। कुछ खा लेंगे नाश्ता कर लेंगे चाय पी लेंगे और हम रुके हैं पीछे देखो तो हम यहाँ पे बहुत अच्छे से होटल में रुके रेस्टोरेंट में रुके हैं जहाँ पे ये बहुत अच्छे से बना हुआ है रेस्टोरेंट उनका अंदर ही बना हुआ है और ये रेस्टोरेंट देखोगे ये बहुत अच्छे से बना हुआ है और ये है पीछे हेलीकॉप्टर पूरा जहाँ पे हम जाएंगे अब ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो चलो अंदर जाके देखते हैं ये कैसे बना हुआ है पहले नाश्ता वगैरह कर लेते हैं फिर बाहर से मैं आप लोगों को इसका फुल व्यू दिखाऊंगी। और अथर्व है बहुत एक्साइटेड बहुत ज़्यादा। तो ये देखो यहाँ से है इसकी एंट्री तो ये यहाँ से हम बोर्डिंग करेंगे। अथर्व का एक्साइटमेंट देखो रुक जाओ भाई हमारे लिए भी रुक जाओ इसको कुछ अलग ही जल्दी है गिर गया यहाँ पे हाँ चोट लगी बैठने का कहा दोनों पे है हाँ अभी ये बंद है ये वाला खुला है अच्छा पर बैठना दोनों में होता है ना ओके तो यहाँ पे 2 एरोप्लेन है जिसमें एक में भैया ने बोला है कि इसमें सफाई चल रही है तो इसमें नहीं बैठ सकते तो हम जा रहे हैं इसमें बैठने के लिए। अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं अंदर का व्यू कैसा है भाई। तो हमारे हवाई अड्डे में आपका स्वागत है। वाओ ये तो बहुत अच्छा बना हुआ है अंदर। तो ये देखो ये बिल्कुल एकदम एरोप्लेन जैसा बना हुआ है और कुछ ना है अंदर में मम्मी आ रही है मम्मी ये तो आगे आइए आइए मैम आपका स्वागत है अच्छा बाहर है क्या वो पीछे पीछे बाढ़ है ना है वो? क्या है वो किचन का है भैया वही पीछे है नीचे है ओके और वो क्या है पीछे मॉकटेल बार है अच्छा ओके कितने सीट्स है यहाँ पे उसमें भी 75 है ओके कुछ खाओगे नहीं आप तो क्या लेंगे सर आप तो गाइस हम लोग आए पायलट के केबिन में आप लोग देख सकते हो और पायलट के केबिन में बना हुआ है और मैं ट्रेनर आया हूँ साथ में वीडियो बना रहा हूँ पर तो यहाँ से दूसरा प्लेन दिख रहा है हमें जो कि क्लोज वहाँ देखो पापा जा रहे हैं हेलो पापा हेलो हेलो 1 2 3 पापा हेलो हेलो बाइक टेस्टिंग और इधर ऊपर पता नहीं क्या पायलट के क्या बनने लगे ये सारे यहाँ से स्टार्ट होगा
और मैं को पायलट हूँ। मैं पायलट हूँ। अच्छा ओके, मैं को पायलट हूँ। ओके ठीक है। दो पायलट इसलिए होते हैं ताकि एक पायलट को वॉशरूम जाना हो तो दूसरा पायलट ले। वहाँ बैठ जाओ, बैठ के भी आप बात कर सकते हो। तो ये आ गया है मेरा बर्गर अथर्व का पराठा। अब हम खाना खाते हैं और खाने का भी रिव्यू देते हैं आप लोगों को कि खाना कैसे है। अथर्व ने सब ले लिया। पहले बोलता बर्गर ले लेता। यार अथर्व आपने मेरा वाला खाना क्यों ले लिया? तो ये आ गया है हमारा खाना। मेरा बर्गर आ गया जो अथर्व ने ले लिया। पराठे आ गए। ये देखो पराठे, तंदूरी पराठा है क्या ये? हाँ। अच्छा, और अब हम खा लेते हैं। खाना खा के खाने का रिव्यू देते हैं आप लोगों का। ये वाइट मक्खन, ये मक्खन आ गया वाइट मक्खन। आपको देना है मक्खन। और ये अथर्व का शेक है। अथर्व दे दे मेरा बर्गर, दे दे यार। तो हमने नाश्ता कर लिया है। नाश्ता अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। पराठा मैंने नहीं खाया पर लविश का फीडबैक है कि ठीक है। बर्गर अच्छा था इनका। शेक कैसा था भाई बता दे? अच्छा। अच्छा तो शेक भी अच्छा था, बर्गर अच्छा था यार, मुझे अच्छा लगा बर्गर। बाकी तो पराठा लविश को अच्छा नहीं लगा। चाय मैंने पहले, मुझे ठंडी चाय मिली, दूसरे बार में मुझे थोड़ी सी गर्म चाय मिल गई थी। पर इनका है ना किचन नीचे है तो जिसके वजह से खाना लेके ऊपर आते आते वो ठंडा हो जाता है। सो मे बी विंटर्स में ऐसे हो कि और ज़्यादा ठंडा हो जाए, क्योंकि अभी थोड़ा सा ठंडा हो गया था, मतलब काफ़ी ठंडा हो गया था। चाय जैसे मुझे काफ़ी ठंडी मिली थी। तो नीचे किचन होने की वजह से उसका एक डिमेरिट है कि किचन अंदर नहीं है, नीचे है, तो ये एक प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ ठीक है। और अंदर बहुत स्पेशियस है, बहुत अच्छा है, तो अच्छा था। तो चलो हमने कर लिया है नाश्ता, अब निकलते हैं यहाँ से। और यहाँ से हमें लगेंगे अराउंड और 2.5 घंटे लगेंगे। तो चलो पहुँचते हैं, निकलते हैं पहले यहाँ से, फिर मिलते हैं आप लोगों से। मैं और कोई नहीं ले रहा। ब्राउन वाला ट्राई कर। ब्राउन वाला ये ब्राउन वाला नहीं होगा, ये ब्राउन वाला निकल जाएगा। तो ये देखो अथर्व ने एक टेडी निकाल लिया है यहाँ में से। अब अथर्व फिर से दूसरे कोशिश में लगा पड़ा है। कोई भी नहीं निकलेगा बस। कम ऑन अथर्व, हाँ जल्दी कर, वो टाइम होने वाला, टाइम होने वाला है। नहीं अभी नहीं हुआ। अरे यार अथर्व नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ ब्राउन वाला, ब्राउन यहाँ करते ना। तो ये अथर्व का तीसरा नाकामयाब कोशिश, पर एक कामयाब रहा। ये क्यूट सा है ये। ओ कौन ज्यादा क्यूट है, अथर्व या ये अथर्व? चलो कितने का है वो? 50 रुपए के 4 शॉट। 50 रुपए के 4 शॉट्स कर लिया तुम लोगों ने? एक आध इसने कर लिया, चार एक भी फूटा। हाँ एक आध तो फूटा था। कितने फूटे थे? देखो इसके 3 फूट गए। भैया इसके 3 फूट गए थे, देखो अंकल हंस रहे। एक झूठ अथर्व। तो आप शिकारी पापा का टर्न। ओ भाई साहब क्या बात है, डाकू मंगल सिंह है पापा। उस दिन मेले में भी पापा ने इतने सारे फोड़ दिया। निशानेबाज। अब क्या हुआ, फूटा है नहीं फूटा? मुझे दिखा नहीं अभी तक। नहीं मैं ब्लू वाला फोड़ना चाह रहा था। अब फूटेगा, अब फूटेगा। अच्छा ट्रैफिक था तो जिसके वजह से काफ़ी लेट हो गए हम, मतलब 3-4 घंटे लगना था हमें उसके जगह।
हमें 5-5.5 घंटे लग गए। तो अब हम पहुंच गए हैं, अब 1:30 बज गया है, तो पहुंच गए हैं, अब जाएंगे उसके घर हम। पहले तो हम यहाँ स्टे कर रहे हैं, तो यहाँ हम सामान वामान रखेंगे, तैयार होंगे क्योंकि उसके घर में कीर्तन है, तो हम फटाफट फ्रेश हो जाएंगे, थोड़ा सा भारतीय बन जाएंगे और फिर जाएंगे उसके घर पे। तो चलो चलते हैं, पहले फ्रेश हो जाती हूँ, फिर थोड़ा सा चेंज वेंज कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ। तो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ तैयार, मैंने एक अच्छा सा सूट पहन लिया है, गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पे, तो ज़्यादा कुछ पहन नहीं सकते, हैवी कुछ तो नहीं पहना जाता है, तो मैंने एक कॉटन सूट पहन लिया। अब जा रहे हैं हम कीर्तन में, अथर थक गया है, एक्चुअली मैं भी चाहती थी कि अथर थोड़ा सा रेस्ट करे, तो अथर लविश के साथ रेस्ट करेगा रूम में ही, और हम कीर्तन में जाके आते हैं। तो चलो जाते हैं कीर्तन, देखते हैं कीर्तन, थोड़ा सा अटेंड करते हैं, फिर आते हैं वापस आके, हमें तैयार होना है और पार्टी यहीं पर है, तो भागना दौड़ना नहीं है, तो चलो फटाफट जाते हैं कीर्तन में, थोड़ा सा दर्शन करके आते हैं। तो ये 5 चीजें हो गई। छठवां चीज क्या है? इतना सब कुछ होने के बाद भी, ध्यान से सुनिए, छठवां चीज, इतने ऐश्वर्य होने के बाद भी, इतनी सारी शक्तियों के मालिक होने के बाद भी, सारी धन संपत्ति भगवान के जो आध्यात्मिक जगत है गोलोक वृंदावन जो है, वहां पर करोड़ों लक्ष्मियां भगवान की सेवा कर रही, करोड़ों अरबों लक्ष्मियां, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।